दिल्ली में रहने वाले राकेश खत्री बर्ड्स के लिए घोंसले यानी नेस्ट्स बनाते हैं, जिससे कई लाखों बर्ड्स को उनका घर मिलता है और वो शहर में रह पाती हैं। पर राकेश जी, बर्ड्स के लिए घोंसले क्यों बनाते हैं, इससे उनको क्या बेनिफिट मिलता है और अभी तक कितने घोंसले वो बना चुके हैं? हम सबको याद होगा कि कैसे बचपन में हमारे घरों के आसपास बर्ड्स आती रहती थी, पर फिर पेड़ कटते गए और बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्ट होती गईं। और क्योंकि बर्ड्स अपना घोंसला ज्यादातर पेड़ पे ही बनाती हैं, तो बर्ड्स सिटीज से विलेजेस की तरफ जाके बसने लगी। हम सब ने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया, पर राकेश जी ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ नोटिस ही नहीं किया बल्कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। मेरा बचपन पुरानी दिल्ली की गलियों में बीता। मकानों के अंदर खूब झरोकेदार मकान होते थे, हवा के आने जाने के लिए छोटे छोटे रोशनदान भी होते थे जिनसे अच्छे अच्छे बर्ड्स अंदर आके अपने घोंसले बनाया करते थे। पंखों के जो कोठर होते हैं उसमें और स्विच बोर्डों के अंदर घर बनाया करती थी। तो मेरे घर के बड़े बूढ़ों की पहली इंस्ट्रक्शन यही होती थी कि पंखा ज्यादा नहीं चलाओगे, अगर चिड़िया कट गई तो तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे। और तब से ही राकेश जी ध्यान देने लगे कि उनकी वजह से किसी भी चिड़िया को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। पर फिर जब राकेश जी पुरानी दिल्ली से अशोक विहार जाके शिफ्ट हो गए तो उन्हें एक बहुत बड़ा चेंज एक्सेप्ट करना पड़ा। अशोक विहार में जहां पहुंचे तो हमने धीरे धीरे देखा डेवलपमेंट इतनी तेजी से शुरू हो गई थी, पेड़ कटते जा रहे हैं, मकान बनते चले जा रहे थे और चिड़िया दिखनी बिल्कुल बंद हो गई थी। मकानों में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती थी जहां चिड़िया अपना घर बनाए। अब क्योंकि राकेश जी का जुड़ाव बचपन से ही चिड़ियाओं के साथ काफी था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बर्ड्स को वापस बुलाने के लिए खुद अपने हाथों से घोंसले बनाएंगे। तब तक साउथ से हरा नारियल पीने के लिए बहुत दिल्ली में आने लगा था और मैं जगह जगह देखता था कि ढेर लगे रहते थे, लोग पी के उसको बेच जाते थे। तो एक दिन हमारे ग्रुप ने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, 10-12 नारियल वहाँ से उठा के ले आए, उसके मुंह को थोड़ा सा बड़ा करा, उसके अंदर खूब सारे अखबार डाल दिए, उसके चारों तरफ एक फेविकोल की हल्की सी लेयर और आटे की लेई मिला के बनाई और उसके ऊपर कूलर की जो साइड की घास होती है वो चिपका दी, उसको सुतली से बांधा, उसके आगे एक दातुन का ऐसे डंडी सी लगा के और उसको हमने पेड़ के ऊपर टांग दिया। फिर राकेश जी और उनके कुछ दोस्त उस घोंसले को देखने लगे पर एक भी चिड़िया उसमें नहीं आई। आसपास के लोग उनका मजाक भी उड़ाने लगे, जिस बात से राकेश जी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। लोग कहते थे अरे भाई चिड़िया अपना घर खुद बनाती है, आपके बनाए हुए घर में क्यों आएगी। बड़ा बुरा लगता था लेकिन मन में ये था कि नहीं, ये करना तो है। राकेश जी फेलियर से डरे नहीं और ना ही उन्होंने लोगों की बात सुन के अपना डिसीजन चेंज किया, बल्कि इस चीज ने उन्हें और मोटिवेट किया और वो सुबह से लेके शाम तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगे। तो एक दिन मैंने एक चिक वाले को देखा जो चिक की पतली पतली डंडियों से चिक बना रहा था। विचार कौंधा कि यार ये चिक की डंडियों से बहुत कमाल हो सकता है, और वो चिक की डंडियां हमने उससे ले ली खूब सारी और उनको खूब राउंड शेप में करा, उसको धागों से बांधा, उसमें एक छोटी सी चूड़ी लगाई, चूड़ी लगा के जब वो ग्लोब की शेप में बन गया उसके ऊपर टाट पट्टी जो होती है वो लगाया, उसको ऊपर से रस्सी से बांधा, उसमें एक छोटा सा छेद किया और उसके ऊपर नारियल का पूरा जूट लगा दिया। इस बार राकेश जी काफी पॉजिटिव थे तो उन्होंने इस नेस्ट को लगाया और बर्ड्स के आने का वेट करने लगे। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया, पर चौथे दिन फाइनली उसमें एक चिड़िया आई और उसने इस घर को अडॉप्ट किया। उसके बाद जब वो घोंसला उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो मोहल्ले के लोगों ने कहा भाई हमें भी दो यार, हम भी लगाएंगे अपने घर के पास। हमने 20 घोंसले बनाए और मोहल्ले में हर जगह लगाए और 4 दिन के अंदर हर घोंसले को उस चिड़िया के अलग अलग ग्रुपों ने अडॉप्ट कर लिया। किसी को आशियाना देना, इससे बड़ी ब्लेसिंग जिंदगी में और किसी को नहीं मिल सकती जो मुझे मिली। राकेश जी ने सोचा कि वो घोंसला बनाने के इस काम को सिर्फ अपने तक ही नहीं रखेंगे बल्कि और लोगों को इसके लिए ट्रेन करेंगे। तो मैंने स्कूल्स के साथ काम करना शुरू करा, वर्कशॉप का कॉर्पोरेट्स ने बुलाना शुरू करा, धीरे धीरे RWs ने बुलाना शुरू करा। 80 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों ने हमारी वर्कशॉप अटेंड करी और सबसे ज्यादा खुशी उनको तब होती है कि आपके बनाए हुए किसी आशियाने के अंदर किसी दूसरे ने आके अपनी जगह बनाई, उसमें अपने बच्चे दिए, बच्चे देने के बाद जब उड़ गए तो दूसरे किसी पंछी ने उसको अडॉप्ट कर। राकेश जी अभी तक 250,000 बच्चों, बड़ों और बूढ़ों को घोंसला बनाने की ट्रेनिंग दे चुके हैं, जिससे कुल मिला के 1,25,000 घोंसले उन्होंने खुद या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से बनाए गए हैं। अभी इस साल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसके अंदर हमारे 1,25,000 घोंसलों का सर्टिफिकेशन जारी किया है। लिम्का बुक में 2 बार हमारा नाम है। हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन के अंदर हमें ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला जो कि स्पैरो कंजर्वेशन के लिए बेस्ट था।
ताइवान से सुपर मास्टर ने हम लोगों को इस साल कंपेशन का बेस्ट प्राइस दिया। 2019 में मैकमिलन कंपनी ने हमारी कहानी को पूरी चैप्टर के तौर पर छापा। जीते जी राकेश जी का नाम एक चैप्टर में आ गया जिसे बच्चे पढ़ते हैं। इससे बड़ी अचीवमेंट राकेश जी को कोई नहीं लगती। इसके बाद राकेश जी ने कई तरह के घोंसले बनाए, पर उनका सबसे स्पेशल जूस के वेस्ट टेट्रा पैक्स को रिसाइकिल करके बनाए, जिससे दुनिया में वेस्ट रिड्यूस हो सके। Isn't that amazing? Also, राकेश जी की स्टोरी ने हमें काफी इंस्पायर किया, इसीलिए उनकी स्टोरी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। This is not a paid promotion. तो अगर आपको भी राकेश जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया है तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में बताइएगा। ऑल्सो अगर आपको राकेश जी से कॉन्टेक्ट करना है तो आप उनसे इस ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।